हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिलिंग दीवाना। फ्रेंड्स, हमारा ऊटी में आज फोर्थ डे है एंड आज हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं एंड बेंगलोर रिटर्न जा रहे हैं। रास्ते में दो तीन पॉइंट्स हम लोग को कवर करेंगे, सो हम लोग अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं एंड रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर का व्लॉग बनाते हैं। सो आप लोगों को मिलते हैं रास्ते में। एंड उसके पहले आप लोगों को मैं अपना ये होटल दिखा देता हूँ, आप होटल का ये देख लीजिए होटल कैसा है। ये पूरा स्लोप पे बना हुआ होटल है। हर रूम का एक अपना पर्सनल बालकनी है एंड सामने से काफ़ी अच्छा व्यू आता है, वो भी आप लोग देख लीजिए। पूरी वैली दिखती है हमको यहाँ से। होटल के स्टाफ वगैरह भी सारे अच्छे थे और सर्विस वगैरह भी बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमको, बच्चों लोगों ने भी एंजॉय किया। सो चलो अब निकलते हैं, अगर आगे मिलते हैं। दिस इज़ अ रिसेप्शन एरिया। ये टाइम पे भी काफ़ी सारे टूरिस्ट जाके आए हुए हैं, होटल ऑलमोस्ट फुली चल रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग ये कार में ट्रैवल कर रहे थे, सिर्फ 1 मंथ ओल्ड कार है, ड्राइवर भी काफ़ी अच्छा है, सब अच्छे से हो गया। इनका नाम है मोहन भाई, हमको सब जगह अच्छे से घुमा दिया इन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वेरी नाइस। दिस इज हिज कार। एंड ये बच्चे लोग, मोहन भाई कैसा लगा हमारे साथ घूम के? गुड है सर, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। ये देखो, थैंक यू। फ्रेंड्स, हम लोग कार में बैठ के निकल गए हैं एंड आज का मौसम भी पूछो मत, क्या मस्त हो रहा है। आज का दिन भी ऐसा मौसम है ना, ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहीं पे रुक जाए, लेकिन आगे और भी प्लान से तो हमको निकलना ही पड़ा। और मस्त एकदम, ये देखो आप लोग भी मस्त, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, दिया को भी मज़ा आ रहा है। दिया कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। आपको और रुकना था यहाँ पे? दिया का भी जाने का मन नहीं हो रहा था, पर अपने को आगे भी जाना है ना बेटा, सबको हाय कर दो। फ्रेंड्स, हम लोग पहले पॉइंट पे रुके हैं, दिस इज पाइन फॉरेस्ट, देख सकते हैं पूरे पाइन ट्रीज है, एकदम बड़े बड़े झाड़ है। हम लोग नीचे चल के देखते हैं। दिया अपन कहाँ पर है? पाइन फॉरेस्ट है बेटा, क्या है? पाइन फॉरेस्ट। आप वॉक करते करते रुको। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पाइन फॉरेस्ट है एंड पाइन फॉरेस्ट को लग के ये लेक भी है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए बहुत मस्त है। आप लोग जब ऊटी से चेकआउट करके जब रिटर्न आ रहे रहोगे तब ये रास्ते में आएगा पाइन फॉरेस्ट, आप ध्यान रखिए एंड ज़रूर आप ये विज़िट कीजिए, बहुत अच्छी जगह है। मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे पीछे बच्चे लोग वगैरह पानी में स्टोन्स वगैरह फेंक के मज़े ले रहे हैं। लेक से निकल के हम लोग वापस पाइन फॉरेस्ट के बीच में से होते हुए अपनी कार तक जा रहे हैं। ये देख सकते हैं पूरा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अजीन मतलब ऐसे कोई एनिमल्स वगैरह नहीं, बट पूरा पाइन के ही ट्रीज है, पूरा घना है, इसलिए इसको फॉरेस्ट बोलते हैं। आजा बड़ा। हमारी हीरोइन पैर दुख रहा है बोल के डैडी की गोदी में फिर से एंड मजबूरन मेरे को भी उठा के चलना पड़ ही रहा है।
इसके तो मजे है। फ्रेंड्स हम लोग पाइन फॉरेस्ट से निकल गए हैं एंड आगे के लोकेशन पे जा रहे हैं। अरे पाइन फॉरेस्ट के थोड़ा आगे ये शूटिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी आप रुक के देख सकते हैं एंड हम लोग भी अंदर चल के ऊपर की साइड जाके देखते हैं कैसा व्यू है एंड आप लोगों को भी दिखाते हैं। एक बार आप ये सराउंडिंग देख लीजिए। क्या हो दिया? यहाँ पे बच्चे और पूनम पीछे बैठ गए हैं एंड मैं आगे तक एक्सप्लोर करके आता हूँ। मैं आगे जा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, वीडियो में दिखाने के लिए कि कैसा है ऊपर से। सो ज़रूर देखो आप लोग। बहुत क्लाइंब है, ठीक है। ऑलरेडी इतना अपन हाइट पे और फिर माउंटेन क्लाइंब करना है बोलो तो फिर ब्रीदिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सो बाकी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है बट ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर आने के बाद में आप लोगों को ऐसा व्यू देखने मिलेगा, काफ़ी ओपन स्पेस है, फ्लैट सरफेस ऊपर की जगह पे शूटिंग वगैरह करने के लिए मस्त प्लेस है। चलते चलते एकदम दूर तक आ गया, समझ में ही नहीं आया। वाह एकदम दूर आप लोगों को दिख रहे रह गए कुछ लोग, पूनम और बच्चे भी वहीं पर है। सो मुझे अब उन तक भाग कर पहुँचना पड़ेगा। सो हम भाग कर चलते अब वहाँ पे। हम लोग ने शूटिंग पॉइंट के लिए यहाँ से एंट्री ली थी, नीचे से चढ़ के हम लोग ऊपर तक आए, थोड़ी देर बैठे, मैंने आप लोगों को व्यू बताया एंड हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लेंगे, बाहर कॉर्न वगैरह है थोड़ा फील्ड। पहले किधर शूट हुई पता नहीं, तेरी हो सकती थी ना। नाश्ता करने के बाद हम लोग अब आके जा रहे हैं एंड नेक्स्ट स्टॉप रहेगा पाइकरा फॉल्स। सो अब मिलते हैं पाइकरा फॉल्स पे। पाइकरा फॉल्स है, यहाँ पे हम वाटरफॉल देखने हैं। हम यहाँ पे वाटरफॉल देखने के बाद पाइकरा बोट हाउस जाके जाएंगे, वहाँ पे हम बोटिंग करेंगे। So friends, this is the Pikra Falls. मस्त तो दिख रहा है, वेदर भी काफ़ी अच्छा है तो मज़ा आ रहा है, कोई धूप नहीं है तो आराम से हम लोग सब पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। मेरे बैक साइड में आप पाइकरा वाटरफॉल्स देख सकते हैं, अच्छे से वीडियोस लिए मैंने, आप लोगों को पसंद आना चाहिए एंड हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं टूवर्ड्स पाइकरा बोट हाउस
एंड बोटिंग एंजॉय करेंगे एंड आप लोगों को वहाँ का भी मैं व्यू दिखाता हूँ। हम लोग कार की तरफ वापस जा रहे हैं थोड़ा सा एडवेंचर एक्सपीरियंस करने के लिए। पाथ वे पे नहीं चल के साइड में माउंटेन्स पर चल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये हम पाइकरा बोट हाउस पहुंच गए हैं। पाइकरा वाटरफॉल से 2 या 3 किलोमीटर दूरी ये बना हुआ है, ये हमारे सामने आप देख सकते हैं, ये पाइकरा बोट हाउस है। एंड हमने स्पीड बोट की बुकिंग की है ना, स्पीड बोट एंजॉय करते हैं एंड आप लोगों को भी स्पीड बोट राइड पे लेके चलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अभी स्पीड बोट में बैठे हैं, पाइकरा वाटर डैम पे हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। एंड देख सकते पीछे दिया पूनम एंड रियांश बैठे हैं एंड ये हमारे कैप्टन, एंड अब चलो एंजॉय करते हैं। कितना मस्त लग रहा है, जस्ट चेक आउट द व्यू ऑल अराउंड, क्या मस्त है, एकदम मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स, एक राउंड करके बच्चे लोग को इतना मज़ा आया कि हम लोग सेकंड टाइम जा रहे हैं, मस्त मज़ा आ रहा है। दिया, मज़ा आ रही है, एंजॉइंग? तो चलते हैं फिर से। बोटिंग की, बच्चों लोगों को बहुत मजा आया एंड दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। बचाओ बचाओ, जिग-जैग हो रहा था। आपने बोला अंकल को जिग-जैग करने के लिए, मम्मा ने बोला। रियांश, कैसा लगा? मजा आ गया, दो बार किया। फ्रेंड्स, हमारा आज के दिन का ये फाइनल एक्टिविटी था, ये बोटिंग के बाद हमारा ये उटी काटी बोल सकते कम्प्लीट हो गया है एंड अब हम लोग डायरेक्ट बैंगलोर के लिए निकलते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल साइकिलिंग दीवाना। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।